तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बिग बैश T20 लीग है उसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 44वां मैच जो कि खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स वर्सेज सिडनी थंडर्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दूं भाई दोनों ही टीम्स के बारे में आपको यहाँ पर एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा। साथ ही अगर यहाँ पर दोनों टीम में विनिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर भाई 70% चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि थंडर्स की टीम विन कर जाएगी, बाकी 30% यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर होबार्ट हरिकेन पलटवार कर सकती है। यहाँ पर अगर बात करें अगर बिग बैश के टूर्नामेंट की तो भाई अभी तक लगातार पिछले 7 से 8 मैच मैंने आपको लगातार जैकपॉट दिया। और अगर बात करें टूर्नामेंट की तो टूर्नामेंट के भाई आपको 70% मैच मैंने लगातार जैकपॉट दिया, मतलब 70% मैच जैकपॉट दिया, लगातार मैं नहीं कह सकता क्योंकि बीच बीच में एक दो दो मैच खराब भी गए, लेकिन भाई पिछले 7 या 8 मैच की बात करें तो बिल्कुल लगातार आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैच ला के दिए। और इसीलिए बोल रहा हूं भाई वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखोगे ना तो ये मैच भी आपके लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है जो हमारी बिल्कुल फाइनल अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए एक बार देख लेते हैं दोनों टीम्स की लास्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद भाई बात करेंगे यहां पर और कुछ बाकी स्टैट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की लास्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस रही है। होबार्ट हरिकेन्स की टीम भी अपना लास्ट मैच भाई विन करके आ रही है। अब यहाँ पर देखो अगर इनकी बैटिंग सेक्शन में बात करें तो भाई यहाँ से हम बेन मैकडरमॉट और डार्सी शॉट अगर इन दोनों को इस टूर्नामेंट मतलब इस टीम से निकाल दे तो आपको कोई ऐसा बैट्समैन नहीं दिखेगा जो इनफॉर्म है या फिर जो जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की बात करें तो टिम डेविड को पास आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा, लेकिन भाई टिम डेविड अभी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए भाई इन ये मतलब इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है। और दूसरी बात भाई ये आपके लिए मतलब इतनी अच्छी पिक नहीं होंगे क्योंकि जो जो बंदा मतलब बैटिंग ऑर्डर जिसका यार इतना नीचे है T20 में तो भाई वो क्या ही बैटिंग करेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर बेन मैकडरमॉट और डार्सी शॉट ये दोनों ऐसे प्लेयर है जो भाई यहाँ से होबार्ट हरिकेन्स की नैया को पार लगा सकते हैं। इसके अलावा मैथ्यू वेड अगेन अनअवेलेबल रहेंगे जैसा कि इस मैच में नहीं थे ड्यू टू पर्सनल रीजन। यहाँ पर अगर बात करें कैलेब जवेल की तो इनको आप GL में ट्राई कर लेना, GL की एक या दो टीम में आप इसे कैप्टन लेके जाना क्योंकि अगर इसने परफॉर्मेंस कर दी ना भाई तो इजीली आपकी विनिंग हो जाएगी। और भाई ओपनिंग कर रहा है तो परफॉर्मेंस देके जा सकता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर भाई बेन मैकडरमॉट की तो आपके लिए एक बेहतरीन से भी ऊपर की पिक होने वाला है और भाई इस मैच में एक सेफ डिफॉल्ट CVC की चॉइस आपके लिए होने वाला है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। रीजन क्या है क्योंकि रीजन क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से मतलब 93 रन इसने बनाए, 2 सेंचुरी ऑलमोस्ट लगा चुका है, 2 हाफ सेंचुरी लगा दिए तो भाई आप खुद देख सकते हो बल्लेबाज कितनी मतलब खतरनाक फॉर्म में, तो इसको लोग बाग कैप्टन जरूर बना कहेंगे। पीटर एंडस्कोम की बात करें तो देखो वैसे तो भाई ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, कोई मतलब इसका अपनी बल्लेबाजी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन भाई जब से कल से मतलब लास्ट मैच से इसे कप्तानी मिली है तो भाई तब से मतलब इसकी बैटिंग में सुधार आया है। रीजन क्या है क्योंकि ये मतलब बिल्कुल ही रिस्क फ्री गेम खेल रहा है, पर आप देखोगे तो सामने से यहाँ पर भाई बेन मैकडरमॉट मार रहा था तो भाई इन्होंने मतलब एक साइड होल्ड करके अपने इनिंग को बिल्ड किया, 33 बॉल पर 27 रन की नोट आउट इनिंग खेली। और भाई अगर बात करें डार्सी शॉट की तो डार्सी शॉट को नंबर 4 पर मेंशन किया गया जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि एक तो टीम के पास यार बैट्समैन बहुत कम है, ऊपर से भाई डार्सी शॉट जैसे एक्सपीरियंस्ड और मतलब इनिंग को बिल्ड करने वाले बैट्समैन को मतलब एक तरह से एज ए फिनिशर यूज कर रहे थे, भाई ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा देख के। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग में बात करेंगे तो भाई सिर्फ 2 ही गेंदबाज मेरे को यहाँ पर काफ़ी जो इंप्रेसिव लग रहे हैं वो यहाँ पर भाई रैली मेरेडिथ और थॉमस रोजर्स है। इसके अलावा ये भी भाई इन दोनों को आपको कब ट्राई करना है जब भाई इनकी पहली बॉलिंग आएगी, वहीं अगर इनकी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आए तो भाई यहाँ पर संदीप लमिछाने को आप ट्राई कर सकते हो। डार्सी शॉट तो आपकी टीम में मतलब वैसे भी रहेंगे, टिम डेविड को भी हम ट्राई करेंगे, क्यों ट्राई करेंगे ये भी अभी आपको आगे पता लग जाएगा। ठीक है, मिशेल ओवन की बात करें तो भाई एक ठीक ठाक ऑलराउंडर है, इतना कुछ खास गेंदबाज है नहीं, बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में 2 विकेट लेके गए। वही अगर बात करें आप यहाँ पर सिडनी थंडर्स की टीम की तो लास्ट मैच भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से विन करके आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो भाई
मैथ्यू गाइक्स ने 10 रन बनाए। मैथ्यू गाइक्स को भाई अब जीएल में जरूर ट्राई करना। और भाई एलेक्स सेल्स लगातार इसको बैकअप दे रहा था, मैं लगातार इसको बैक कर रहा था और भाई लास्ट मैच में परफॉर्मेंस करके दिए, तो अब भाई मतलब मजे से आ गए कल वाले मैच में, है ना। तो इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए एलेक्स हेल्स जैसे बड़े प्लेयर बैटिंग पिच पर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। और ये भाई बैटिंग पिच यहाँ पर भी भाई 180 के आसपास का स्कोर आपको दिख जाएगा मेलबर्न के ग्राउंड पर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हेल्स आपके लिए एक बेहतरीन पिक होने वाला है, इसको ट्राई आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भाई इसमें इसमें क्रेडिट इशू आएगा, लेकिन वो भी अभी मैं आपको टीम बनाते टाइम मैनेज करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें मैनेज करना है। जेसन संगा एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर अपनी टीम के लिए, यहाँ पर टीम का कैप्टन भी बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 21 रन बनाए 23 बॉल पर। डैनियल सैम्स की बात करें तो भाई 98 रन की नॉट आउट इनिंग खेली है, थोड़ा सा बुरा लगा, बंदा 98 पर नॉट आउट गया और भाई यहाँ पर मतलब सेंचुरी नहीं लगा पाया, ओवर खत्म हो गए थे, तो इसीलिए मतलब यार थोड़ा सा बुरा लगा। मेन रीज़न यही है यार, क्योंकि देखो कोई भी बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और फिर भाई सेंचुरी तक ना पहुँच पाए तो ये चीज़ थोड़ी देखने में बुरी लगती है। नंबर 4 पर खेल रहे, थोड़ा सा ऊपर प्रमोट हुआ है और ऊपर प्रमोट होने का नतीजा आप देख सकते हो भाई, ये भी आपके लिए एक डिफॉल्ट CVC पिक होने वाला आज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके साथ जाने वाले हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रख लेना। अगर आपको सेफ जा रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हो। ओलिवर डेविस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 2 रन बनाए। कटिंग की बात करें 6 रन। बैक्सर ओल्ट की बात करें तो 2 रन। वही अगर बात करें नाथन मैकड्रू की तो यहाँ पर 2 रन बनाए, इसके अलावा भाई और किसी ने कुछ खास किया नहीं। अब चलिए बात करते हैं इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग की बात करेंगे भाई यहाँ पर भाई मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम को बिल्कुल ही धराशायी इन्होंने कर दिया था। मोहम्मद हसनैन की बात करें तो भाई 3 विकेट निकाल के लेके गए। गुरिंदर संधू की बात करें तो 2 विकेट निकाले। नाथन मैकड्रू की बात करें तो भाई 1 ही विकेट निकाला। नाथन मैकड्रू भाई आपके लिए एक ना एक मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं, क्योंकि भाई प्लेयर काफ़ी बड़ा है और अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक या फिर 2 या 3 मैच में, 3 मैच में से किसी एक मैच में काफ़ी खतरनाक परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें डैनियल सैम्स की तो 2 ओवर डाले, 1 विकेट निकाल के ले गए, 98 रन बनाए प्लस भाई 1 विकेट, तो इससे ज़्यादा भाई और आप क्या ही डिजर्व करोगे किसी बंदे से। भाई अगर बात करें तनवीर संगा की तो 2 विकेट तनवीर संगा को मिले। जेसन संगा ने 1 ओवर डाला, इसमें भाई 5 रन दिया और विकेट लेस गया। तो अब चलिए बात करते हैं भाई ड्रीम इलेवन की, डेमो टीम की। लेकिन उससे पहले भाई अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, भाई जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अगर भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो सच में आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। यहाँ पर अगर बात करें तो मैथ्यू गाइक्स को मैं ट्राई करूँ, बैक्सर ओल्ट काफ़ी नीचे खेलेंगे, मैथ्यू वेड यहाँ पर, मैथ्यू वेड भी और सैम बिलिंग्स भी, कोई भी भाई यहाँ पर अपनी टीम में नहीं होने वाला, ठीक है। तो एम गाइक्स आपके लिए एक बेस्ट पिक होने वाला है। ऐसे मैकड्रमोट को मैं अपनी टीम में रखूंगा, जेसन संगा को मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके अलावा आप चाहो तो एलेक्स सेल्स को ट्राई कर सकते हो, बट मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ, ठीक है। आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं ऐसे भाई सी ज्वेल को ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो ओपनिंग करेगा, साथ ही साथ कुछ क्रेडिट हमारे मैनेज करवाएगा। यहाँ से अगर आप चाहो तो जेसन संगा की जगह पर एलेक्स सेल्स के साथ भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर कंप्लीटली आपके ऊपर रहेगा। लेकिन भाई मैं जेसन संगा के साथ इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई ये लगातार बॉलिंग भी करवा रहा है हर मैच में 1-2 ओवर की, तो इसीलिए भाई मैंने ट्राई किया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं आपको क्लियरली बोल चुका हूँ, आप यहाँ पर एलेक्स सेल्स के साथ जा सकते हो। बाकी अभी तो भाई मैं जेसन संगा के साथ जा रहा हूँ, बाकी क्या पता आगे क्रेडिट अगर इशू आएगा तो भाई मैं देखता हूँ, शायद मैं ऐसे भाई एलेक्स सेल्स के साथ भी चला जाऊं जेसन संगा को ड्रॉप करके। डैनियल सैम्स हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा डार्सी शॉर्ट को मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूं। टिम डेविड को मैं अभी के लिए नहीं ट्राई कर रहा, रीज़न क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट इशू आएंगे और सॉरी भाई क्रेडिट इशू आएंगे तो भाई इसको मतलब पिक करना पड़ेगा, बट यहाँ पर बैटिंग काफ़ी नीचे। और अब भाई इस मैच में आपको मैं बता दूँ, यहाँ से भाई हैरी ब्रूक, देखो यहाँ से भाई हैरी ब्रूक वापस आ चुका है अपनी मतलब टीम के साथ जुड़ चुका है और 100% खेलेगा। इसके अलावा यहाँ से भाई जॉर्डन थॉम्पसन आपको खेलता दिखेगा जो 100% खेलेगा। तो भाई अगर ओवर टरीकेन की पहले बॉलिंग आ जाती है तो भाई यहाँ पर आपके लिए जॉर्डन थॉम्पसन एक मस्ट पिक रहेगा, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा, इनके पास 2 ही अच्छे पेसर्स है, तीसरा पेसर्स कोई दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर भाई जॉर्डन थॉम्पसन के काफ़ी अच्छे खासे चांसेज है कि भाई ये डेथ ओवर में आपको 16 से 20 में कम एक ओवर डालता नज़र आ जाए, या फिर अगर बात करें मतलब 14 से 20 ओवर के बीच की तो वहाँ पर भाई मे भी आपको 2 ओवर डालता नजर आ जाए तो वहाँ पर भाई ये विकेट निकाल के आपको दे सकता, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज आपके लिए होने वाला है। लेकिन भाई टीम ने अभी तक इसके ऊपर भरोसा जताया नहीं है, लेकिन अगर भाई टीम भरोसा जताती है तो भाई पहले मैच में जताया था जिसमें 3 ओवर या 4 ओवर कंप्लीट डाल के भाई 3 विकेट निकाले थे। लेकिन भाई अगर अब टीम भरोसा जताती है तो ये आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाएंगे। और टिम डेविड को भाई मैं अभी के लिए इसीलिए नहीं पिक कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्रेडिट इशू अभी तो
मतलब देखते आएगा या नहीं आएगा। बाकी अगर क्रेडिट इशू आएगा तो यहाँ पर डार्सी शॉर्ट को मजबूरन ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर यहाँ से भाई आप जेसन संगा की बलि चढ़ानी पड़ेगी। देखते क्या करना है क्या नहीं। अभी एक बार मैं जो हमारे मेन मेन बॉलर जो मेरे को अपनी टीम में चाहिए ही चाहिए वो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। वैसे भाई दोनों बॉलर मैंने ट्राई कर लिए। इसके अलावा अगर नीचे से की साइड बात करें तो गुरिंदर संधु को मैं ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ से भाई संदीप लमिसाने को मैं ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ से मोहम्मद हसनैन को मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भाई देखो अगर हरिकेन्स की पहले बैटिंग आ जाती है सॉरी पहले बॉलिंग आती है तो ये दोनों बॉलर हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। बाकी अगर सेकंड बॉलिंग आती है तो इन दोनों में से किसी भी एक को ड्रॉप करके आप ऐसे संदीप लमिसाने के साथ जा सकते हो। तो भाई अभी के लिए हमारी बेस्ट टीम बन चुकी है। बाकी देखो अगर यहाँ से कुछ चेंजमेंट अगर आपको करना हुआ या फिर करना पड़ेगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ से सीवीसी चूज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से भाई मैंने आपको एक प्लेयर नहीं चूज करके दिया क्या, वो भाई मैंने अभी आपको बताया। यहाँ से देखो अगर भाई पहले बॉलिंग आती है यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स की तो भाई ऊपर से हमने इनके दोनों जो पेसर्स हैं वो ट्राई कर रखे हैं। बाकी अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो भाई आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो लमिसाने को। और भाई यहाँ से आप तनवीर संगा को तो नहीं पिक कर पाओगे क्योंकि भाई यहाँ पर आपको क्रेडिट इशू आएगा। गुरिंदर संधु को हमने ऑलरेडी पिक कर लिया अपनी टीम में तो आप यहाँ से नाथन मैकड्रू के साथ जा सकते हो। इसके अलावा भाई मेरे को और कोई खास ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहा। तो भाई यहां से देखो अब आपने किसके साथ सैक्रिफाइस किया, यहां पर भाई हमने सी ज्वेल को ट्राई किया एलेक्स सेल्स की जगह पे। तो ये भाई एक सैक्रिफाइस हमने किया है। तो भाई ये अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो भाई मतलब रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर तो यहां पर बाहर बैठेगा या फिर आप जेसन संगा को बाहर बैठा सकते हो और एलेक्स सेल्स को ले सकते हो। इसके अलावा भाई आप यहां से चाहो तो आप डार्सी शॉर्ट को बाहर बैठा सकते हो और एलेक्स सेल्स को ले सकते हो या फिर मतलब कुछ भी आपको करके भाई यहां पर मैनेजमेंट करके चलनी ही पड़ेगी। इस चीज में भाई कोई भी आपको मतलब वो नहीं है कि कैसे भी भाई मैनेज ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए भाई मैंने आपको ये टीम बताई है। और अब बात करते हैं भाई सीवीसी की। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के अगर आप चाहो तो बिल्कुल सेफ, अगर आपको जाना है तो मेरे हिसाब से ये दोनों पेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो भाई मेरे हिसाब से आपके लिए ये पेयर सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, कैप्टन आपका बेन मैकडरमॉट और वाइस कैप्टन भाई जेसन संगा रहेगा। बाकी अगर आप चाहो तो देखो डार्सी शॉर्ट भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा नीचे की साइड अगर आप जाओगे तो ऐसे भाई टी रोजर्स भी लगातार विकेट निकाल रहे हैं, 9 या 10 मैच में भाई 15 विकेट निकाल चुका है, हाईएस्ट विकेट टेकर अपनी टीम के लिए। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अभी के लिए मैं इन दोनों को सेव करके जा रहा हूँ। बाकी फाइनल टीम में भी कुछ चेंजमेंट आपको नजर आ जाए तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो अभी की अभी जाइए भाई और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं भी अब आपको वहीं मिलूंगा मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।